हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ शाह, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी, अ फैकल्टी मेंबर विद नवकार इंस्टीट्यूट, प्रोवाइडिंग यू सम बेसिक आइडिया विद द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 4 ऑफ दिस सब्जेक्ट नेम्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस मस्ट मेक इट क्लियर, ये पढ़ना क्यों है, ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है एट द फर्स्ट प्लेस. एट द बेसिक वी कैन से कि ये चैप्टर जो भी है वो डील करता है कि हम लोगों को पता चले कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कितने बिजनेसेस मॉडल है, किस तरह से बिजनेस ग्रो हो सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है. कोई भी पब्लिक पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनता है तो कैसे बनता है और उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या आती है, किस किस तरह से आ सकती है, विथ रिगार्ड्स टू टैक्स हो या विथ रिगार्ड्स टू लैंड हो या विथ रिगार्ड्स टू फॉरन कैपिटल हो. कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या बिजनेस को कहीं पर कुछ कंट्रोल में लाने के लिए वो क्यों बनाता है, दैट इज द एंड इंटेंशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस चैप्टर बेसिकली. लेट अस गो विद द यूनिट गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ इट इज ऑब्वियस दैट ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट पॉलिसी बिकम्स द बेस टू नो द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, टू नो द से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, द वे द कल्चर एंड द एनवायरमेंट रन्स विद इन द इकोनॉमी, मोर ओवर द फॉरन कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी, एवरीथिंग वुड बी नोन ओनली थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी. सो अ स्टेटमेंट इज मेड दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिंक्योनॉन फॉर एन इकोनॉमी. सिंक्योनॉन इज अ लेटिन वर्ड विच मीन्स एन एसेंशियल कैरेक्टर, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट policies. So now here the statement is very correct that government policies are known as synchronon for an economy or for the environment. It is surely an essential part in the economy. Then the question arises whether the government policy would be same for every nation. No, it changes with the change in nation. Every nation has its own culture, its own habits, its own religion, caste, its own social life. Based on that, the government policy would be totally different. If I talk about the government policies of USA and compare it with our India, they won't ever match because they run with a concept of Monday to Friday and we run with the concept of Monday to next month's Monday. Here, the pay cycle is different. There, the pay cycle is different. The consumption and saving pattern of an Indian and the consumption and saving pattern of USA. So sorry to say that, but yeah, only consumption pattern, they don't have the saving concept. So the consumption pattern of USA and the consumption pattern of Indians, the saving pattern of Indians and nil savings of them are totally different. So based on that, the policies would be different, their lifestyle would be different, their the structure needed would be different. Here we think hum aisa sochte hai ki nahi hamare kal ko hum hi banayenge, ki agar kal kabhi zarurat padi to hamari savings humko madad karegi. If in my old ages agar mere ko kabhi bhi kam paisa pada to main abhi se retirement plan bana ke chalunga. वहां पे क्या है कि सेविंग का कंसेप्ट ही नहीं है तो वहां पे रिटायरमेंट प्लान का कंसेप्ट नहीं है. पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट फॉर सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स एंड फॉर दैट गवर्नमेंट मेक सम वे आउट. इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुपर एन्युएशन फंड करके एक अलग ही रिटर्न भी भरना पड़ता है कंपल्सरीली कि आपका कितना पैसा आपने सुपर एन्युएशन में डाला है, ये दिखाने के लिए कि अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपना आज खराब कर रहे हो और अपना कल भी खराब कर रहे हो. यानी इंडिया के अंदर ये लॉज एंड रूल्स अलग होने चाहिए. लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हाट इज गिवन इनटू योर बुक्स, द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश के अंदर अगर कोई भी बंदा से सेकेंड हैंड कार्स का इंपोर्ट करके उसको बांग्लादेश में बेचना चाहता है, उसको मना नहीं किया है गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने टोटली अलाउ किया बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कि इफ एनी सिटीजन ऑफ अवर नेशन वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट सम सेकेंड हैंड कार्स मेड बाय अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर, ही कैन ब्रिंग इन टू द बांग्लादेश टेरिटरीज एंड सेल विद इन द बांग्लादेश टेरिटरी. बट द इशू इज विथ इंडिया. इन इंडिया अगर कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स अगर वो वहां बना के यहां पर बेचना चाहता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज अवर गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली डिनाइड कि कोई भी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर, ही मस्ट हैव अ यूनिट इन इंडिया, ही मस्ट मैन्युफैक्चर विद इन इंडिया, ही मस्ट ब्रांड नेम इट मेड इन इंडिया एंड देन आफ्टर ही कैन सेल इन इंडिया. अनलेस एंड अंटिल ही डज दिस, ही इज नॉट अलाउड टू ब्रिंग कार्स टू इंडिया. हाँ, हो सकता है कि आप पर्सनल पर्पज से ऐसा सोचो कि मैं डायरेक्ट वहां पर यूएस जाके वहां से इंपोर्ट करूं, दैट इज ऑन अ पर्सनल ग्राउंड. एक दो गाड़ी आप ले आओ वो अलग चीज है, 2000 गाड़ी वो बना के यहां पर लाए वो एक अलग चीज है. वो 2000 के लिए मना है, दो के लिए मना नहीं है. सो इफ आई टॉक अबाउट द फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, हाँ, उनको अपना ही अलग एक शोरूम और अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे खोलना पड़े कंपलसरी, तभी जाके वो कार्स बेच पाएगा. इफ यू सी, वी डोंट फाइंड शोरूम ऑफ
say big tycoons of car manufacturers which are there outside India. The only reason is they are not allowed to sell in India if they manufacture outside India. Next, if I say the cultural climates and the social patterns and the religious customs of India are totally different than the other nations. So there may be an issue that one company may have its branch offices all over the globe, it may have its operational offices all over the globe. तो क्या करेगी वो कंपनी, क्या वो हर कंट्री के मुताबिक उसकी पॉलिसी के मुताबिक अपनी कंपनी के पॉलिसी चेंज करने बैठेगी? यानी कि मान लो एक कंपनी है जिसकी 150 कंट्रीज के अंदर ब्रांच है, तो क्या उसकी 150 अलग अलग कंपनी पॉलिसीज होगी? हाँ होगी. क्यों? द ओनली रीजन इज कि अगर वो कंपनी की पॉलिसी कंट्री के पॉलिसी के साथ सेट नहीं होता तो कंट्री के लोग कंपनी के अंदर सेट नहीं होंगे. आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, थोड़ा टिपिकल है लेकिन फिर भी, कंपनी की पॉलिसी अगर कंट्री की पॉलिसी के साथ सेट नहीं होती तो कंट्री के लोग यहाँ कंपनी के अंदर सेट नहीं होंगे. ड्यू टू दिस रीजन कंपनी ही नहीं चलेगा. अगर कंपनी चलाना है तो वहाँ के लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा से अपनी नीड्स के मुताबिक. सो अकॉर्डिंगली कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा कंट्री के गवर्नमेंट पॉलिसीज के मुताबिक. अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, इंडिया के अंदर अगर हमारा फोकस ज़्यादा दिवाली पे होता है एंड लेस ऑन क्रिसमस, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही दिन की छुट्टी होती है क्रिसमस में और दिवाली में एक हफ्ते का होता है, तो वॉल्वो अगर उसकी ब्रांच यूएसए में भी है और इंडिया में भी, यूएसए के अंदर उसको 15 दिन की छुट्टी देनी पड़े शायद क्रिसमस के अंदर, यहाँ दिवाली के अंदर वो 15 दिन होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर सम कस्टम्स एंड पैटर्न्स विच वी नीड टू फॉलो बेस्ड ऑन द कंट्री रिक्वायरमेंट्स. वॉल्वो वे करके, वॉल्वो कोड ऑफ कंडक्ट करके एक डॉक्यूमेंट है जो वॉल्वो वालों ने बनाया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. This is what we expect from you, this is the work which you should do for the company at by and large. So end part is that are government policies that important to be followed? Yes, no doubt in that. Unless and until you follow that, you can't grow. Unless and until you follow that, you can't even operate. So what are the inceptions of these policies, means where, from where do it show its initial starting point? Was it present in ancient India? Now this is a question which would have replied into the next topic. They have given you the title that policy framework in India, a historical sketch. Now what do we mean by the word historical sketch? Historical sketch is nothing but the what were the policies in ancient India, how it were brought up and what were the criteria at that time. इंडियन हिस्ट्री इज आर द बिगेस्ट थिंग टू नो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. वेरी जेन्यूनली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने ही देखी है, दुनिया कभी समझ भी नहीं पाएगा कि ऐसा भी इंडिया में हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, द फर्स्ट एंड द ग्रेट एम्परर ऑफ अवर नेशन वॉज नोन एज द नेम ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द एम्परर इन ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ रूल. ही हैड अ गुरु नेम्ड चाणक्य. चाणक्य मेड अ वंडरफुल बुक based on economics only, but still that was named in Hindi world that Arthashastra. Arthashastra book is the Bible for the present time. Why? For the business world it would be said as the Bible. It is showing every course of action which is to be taken or which could be taken in any scenario in a given state of time. So Chanakya recommended the rural of that at the time of this great emperor Chandragupta Maurya, that to run our economy we need to frame some policies, to run our state more better we need to make some public policies, some governmental policies which are to be followed by the public. If I say what happened after that? Was it only in the period of this great emperor Chandragupta Maurya? No, it was even carried forward further and further. You may have heard about the institutions named Takshashila, Vishali. These are nothing but the age-old institutions which taught us what the government policies are, what the public policies are, why are they to be framed, why there must be such policies into our state or our territory. So what after that? Next big name, if I say, then it was the rural Ashoka. The King Ashoka in his time, say when he was the ruler of Magadha,
he made some policies which were, say, very, very, very important during that time, and people followed it accordingly. Even you may have heard that Ashoka was the first person who denied to have a war with the other king, just only reason behind a reason that he didn't promote blood and say sweat of people and kill them to move a step ahead in his own empire. He finally made a policy that no king within my territories would ever enter into any sort of wars. Now that is what a sign, a historical step, a historical sketch which is shown to us that India was following public policies since ancient times. What after that? You may have heard about the Mughal Sultanate, whatever we say as Mughal Empire. Mughal Empire, when there was under the rule of Akbar, Akbar was not of an age that he could control the whole empire. So there was a Sultan Abdalaluddin Khimji who was sitting on the chair to control the empire on his behalf. Sultan Alauddin Khimji was the first person in our economy to bring tax reforms. He was the person who brought some taxes which were never brought back, which were never present in the ancient India. So again, that was another public policy sketch which could be seen clearly from the ancient India. Next, Todamal was a person who brought up land reforms for the first time in India. After getting independence, even say before independence, Britishers made some rules, say their own acts, and based on that they controlled India. Even our word India is based on some law. You may be totally amazed to hear this. Can any one of you think of the full form of India? Anyone? Not one which is made by us, made in some sort of patriotic climate, but the real fact of India. What is the full form of India? Why am I saying so? Because it is based on some law passed in the British law in a control, and accordingly it was named as India, an independent nation declared in August. An independent nation, I for independent, N for nation, declared D in I and August A, that is INDIA, an independent nation declared in August, Act 1947. This act says that India is now an independent nation. So this is what we say is a public policy, a government policy. They named our country India based on that. It was Hindustan, but named as India due to this public policy. So why am I saying all this? This may not be covering in your book, but that is the reason why are you here. That is what we do at Navkar. We always try to make you understand the real thrust of the concept rather than going to totally bookish. Let us move on to the next part. What could be said as the next topic is also saying the same policy in the contemporary global and economies. Every country would be running with its own criterias, own understanding, own thinking. Based on that, they would be making some policies. Some economies get united and make a common policy for all of them, for the betterment of all of them. If I talk about such an association, one of them is BRICS: Brazil, India, Russia, China, and South Africa. Now, these five decided to make some policies for their own betterment. Why there was such a need? These countries think that they are the future of tomorrow, and we need to think something for our future as well as the world's future. If we want to be one standard nation someday, we need to be united. The concept of this was taken up by everyone, and they all came together with one idea to make some policies which could help each other. They made some new foreign trade policies for one another. They got into treaties of taxations and all, and cleared the say kind of disturbances which were hurdles for the previous years, and totally came into a new picture of climate and tried to turn around the tables of these business models. So this was what we can say is happening in the global level. But if I talk about India, when did India made a big move in government policies? Now this question is very important. Why? The India was running with some different ideas and criteria still 1990, and then after it totally changed a bit its mind to a different thing. ऐसा तो क्या हुआ कि 1990 के अंदर हमको कुछ बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ा जो 1991 में हमने इम्प्लीमेंट किया, और तब से हम जानते हैं उस चीज़ को एज LPG, दैट इज सिंपली सेड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो
समझना ये है कि वॉट आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग अप दिस एल पी जी. देर मे बी समथिंग विच वुड बी नोन टू यू इन योर पास्ट सोशल स्टडीज एंड ऑल. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वर्ड्स बट वॉट आर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दोस. जस्ट गिविंग यू वन मिनट टू थिंक ऑन एंड देन आफ्टर यू वुड बी कंटिन्यूइंग इट. वेन आई से लिबरलाइजेशन, वॉट डू यू मीन बाई द वर्ड लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ लॉस, बाई लॉस, controls, regulations, rules, guidelines, or what sort of, whatever it may be named of, by government for the betterment of our society. There were numerous numbers of formalities, numerous numbers of representations before the government authorities for doing something for the society, for the business, for own self. Government finally thought in 1990, no, that is not the way we could bring our economy a step ahead. So finally they decided to cancel up all the such meaningless things and make India free from the burden of formalities, from the burden of compliances, from the burden of controls and regulations which were taken up by the previous governments. So India liberalized its economy and put a step forward for a better economy. Next, what India thought of in economic reforms was nothing but privatization. Privatization means allowing an entity to enter into the businesses which were previously totally reserved for the public sector only. Moreover, allowing an entity to take a stake or take a part in ownership of a public sector unit by entering into its management or its admin work. So here privatization is in a new form, not merely allowing someone to do something which was previously denied, but also allowing someone to be a part of that organization which was previously the sole authority to do that thing. So privatization was also a big move. What about globalization? India can be said as a closed economy until 1990. Though we allowed our citizens and our businessmen to move out of India for the purpose of businesses, to enter into treaties and contract, but still there were not a clarity from the side of government that this are the things which could be done, this are the things which couldn't be done. It may happen that you may have cracked the deal, but still the government won't accept the deal until and unless they think that is good for the nation. So finally, when we say that integrating our economy with the world economy, we say that is globalization. This thing happened in India in 1990 and then after. In the year 1991, India started believing in globalization and opened up its doors to allow any other foreign entity or foreign individuals to enter India for the purpose of business, open up their shops and houses in India and try to expand themselves in India. In the same way, India was opened up by our government to take our citizens out of India if at all they need to and move on to any other nation for the purpose of expansion of their own business houses and build up a great example in front of world that India and its products are worth having. So this concept of liberalization, privatization, globalization is somewhat important to understand. We would be getting more detailed study on it in a later part, but for the present time let us continue with the next thing, meaning of policies. Public policies and the policies may have a different meaning. Policies means a rule, a set of do's and don'ts, and public policy a set of do's and don'ts which are framed by the government. So what are the different definitions given by different professors at different point of time? The very first definition was given by Gebelin Alban that they are merely a routine process of converting inputs into output. ऐसा तो क्यों कहा कि इनपुट इनटू आउटपुट? वैसे तो सीपीयू भी इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करता है, तो ऐसा तो क्या है कि इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज कह सकते हो, पब्लिक पॉलिसी कह सकते हो. गवर्नमेंट पॉलिसी, थिंक ऑफ समथिंग. मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेस्ट ऑफ प्लास्टिक है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन अ प्लास्टिक बैग विच इज़ गुड फॉर द नेशन. तो मैं एक इनपुट लेता हूँ, उसके रिलेटेड लॉज बनाता हूँ कि ऐसी तरह के प्लास्टिक को आप प्रोसेस कर सकते हो, एंड फाइनली आई मेक अ प्लास्टिक बैग विच इज़ यूजफुल फॉर अवर नेशन. तो ये तरह का एक काम करना, दैट इज व्हाट वी से पब्लिक पॉलिसी. सब लोगों को अलाउड है, अगर आपको कोई ऐसा कचरे वाला प्लास्टिक मिले तो इसको कन्वर्ट करके आप आगे अपना एक अलग ही प्लास्टिक बैग क्रिएट कर सकते हो. नाउ दैट वाज अ वेरी वेग एग्जांपल, आई आल्सो नो दैट, बट दैट वाज द ओनली थिंग अवेलेबल टू मी एट द प्रेजेंट टाइम. सो बेसिकली द कंटेंट ऑफ दिस डेफिनेशन इज यू मस्ट पुट अप सम इनपुट्स ऑफ योर सेल्फ, द नीड, द फॉर्मेट इन विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज वुड बी, एंड फाइनली कन्वर्टिंग दैट इन टू एन आउटपुट व्हाट यू आर नीड
ऑफ। मान लो मेरे को चाहिए कोई एक्स वाई जेड चीज़ और उसके लाए बनाने के लिए, उसको लाने के लिए मुझे कुछ लॉज पास करने पड़ेंगे, देन दिस लॉज आर इनपुट एंड द आउटपुट वुड बी द हैपनिंग ऑफ दोज एक्स वाई जेड थिंग्स। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी कैन से दैट when India was in a British colony, public freedom was conspicuous by its absence. Yeah, it was obvious that we were not having that freedom. Freedom of speech and all that was after the framing of our constitution. Tax rules were the segment of Indian traders, whereas a democracy frames liberal policies. Government at the present time is the saying, or you may have even heard or even read in your past books, that India is a democratic nation. It is for the people, by the people, of the people. So here in the present time, we can simply say India is not a capitalist economy, not a socialist economy, but it is a combination of both of them. It is a mixed economy. Accordingly, India would frame some policies which would be betterment for, which would be for the betterment and for the growth of not only the public sector but also the private sector. So now the question arises that would this policy be a final policy? Means once a policy made, could never be changed, would can never be amended. A rule written once is like a rule on a golden प्लेट। नो दैट इज नॉट लाइक दैट थिंग। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने कुछ सोचा, गवर्नमेंट ने कुछ समझा, एंड लेटर ऑन गवर्नमेंट ने उस चीज को इंप्लीमेंट भी कर दिया। बट हो सकता है कि यहां पे कुछ गवर्नमेंट की मिस्टेक हो, लेकिन ये मिस्टेक कैसे पता चलेगी? जब गवर्नमेंट खुद ब खुद मार्केट में जाके सुनेगा, सोचेगा, समझेगा और उसको ला के समझ के नया लॉ बना के करेक्ट करके वापस रिप्रेजेंट करेगा। ये कब हो सकता है? जब कभी भी कोई एक मॉडल उसके लिए तैयार हो। डेविड करके एक प्रोफेसर थे, ही रेकमेंडेड अ ब्लैक बॉक्स मॉडल और फीडबैक मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिम, फीडबैक मॉडल एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल इज द बेस ऑफ एनी पब्लिक पॉलिसी। गवर्न पॉलिसी कैन नेवर बी कंप्लीट एट इट फर्स्ट स्टेज, बट इट वुड बी कंप्लीट बाय इट्स लास्ट। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट कि शायद शुरुआत के अंदर वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन एंड में वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? आज पॉलिसी बना है, पॉलिसी बनाने के बाद इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों को कुछ लगेगा कि नहीं यहाँ पे ये गलती है, लोग उस चीज़ को समझेंगे और रेकमेंड करेंगे। रेकमेंड करने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर एक थॉट देगा और फाइनली गवर्नमेंट एक नया लॉ लाके आपके सामने वापस रखेगा कि ये पॉलिसी अब से इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जीएसटी। जीएसटी जब आया था तब ऐसा बोला था कि अगर कोई भी ट्रेडर हो कि जिसका टर्नओवर एक 50 लाख से कम का है, तो इन सच सिनेरियो उसको रजिस्ट्रेशन लेने के बावजूद भी एक लमसम अमाउंट ऑफ टैक्स भर के काम चल जाएगा। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत कम है, तो उसको एक्सपांड करके हमने एक्सटेंड किया इन अ मंथ टू 75 लाख। बाद में ऐसा लगा तो उसको आज एक्सटेंड कर दिया 1 करोड़ को। अभी बात चल रहा है 1.5 करोड़ तक खींचेंगे, यानी कि बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी वो चेंज होता जाएगा। इट वुड बी नॉट कंप्लीट एट द फर्स्ट, बट एक स्टेज आएगा कि जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स मॉडल इज दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। इट इज अ फीडबैक मॉडल कि यहां पे इकोनॉमी में क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में हमको आइडिया रहे। नेक्स्ट, इवन द सेम वॉज द स्टोरी विद द कंपनीज एक्ट ऑल्सो। कंपनीज एक्ट वॉज प्रीवियसली नोन एज द कंपनीज एक्ट 1956, देन आफ्टर री अमेंडेड एंड अगेन न्यू एक्ट वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड विद द नेम कंपनीज एक्ट 2013। वेन वी से पब्लिक पॉलिसी, still there are many other definitions which are given by different professors, but before that there are few examples also given within your book. Let us take one after the other. Years back, India had a public policy of not allowing foreign entities to enter India and make business in India, say undertake any business activity in India. I am talking about 70s. In 1970, there was a company named Coca-Cola, obviously known to all of you, was a part of Indian territories. He was having some unit of shops and all that in India, but still it was moved out in 1977. By Indians. Why? Now this is a question. If I say in 1977, yeah, Coca-Cola was proved out of India, the only reason was that
we believed, our government at that time believed in Swadeshi goods more than the foreign goods. So finally we moved out a good quality taste soft drink out of India with an idea to promote our own soft drinks within India. At the present time, yeah, even with the presence of Coca-Cola, you may find in Gujarat some bottles in masala sodas and shoshios, but still people are preferring more of Coca-Cola. This was the fear of government at that time, that our Swadeshi goods would not be given a market and foreign goods would be consumed more. But by time in 1990, we thought that no, that is not the way we could work out. Finally, we opened up our gates and Coca-Cola entered India with its own products, and it is now consuming a big market at the present time. So that was one case of public policy. The rest one or two are given into your books, that public policy related to FDI policies. Foreign direct investment was restricted totally till 1991, but later on with the framing of new policies and exim policies and foreign trade policies changing by time, the limits of foreign direct investment were totally changing. Now what do you mean by foreign direct investment would be a doubt to you, but we would covering it in a later stage of this chapter only. Be with me for that time. Next, as per Professor Thomas R. Oye, public policy or whatever government fills or chooses to do and not to do. The same definition what we have said previously, that government policies are nothing but a list of do's and don'ts. मान लो government ने सोचा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये होने चाहने के लिए एक list बना देगा, ना होने के लिए भी एक list बना देगा, और दोनों को एक कानून बना के रख देगा. If I talk about Gujarat government, Gujarat government has passed a law that in Gujarat we won't allow you to have liquor within your homes or kind of, it is not permitted. But if you are in Daman, yeah, it is allowed, because though it is within Gujarat, it is a centrally controlled territory. So the question is that why do government does so? Government would be having some intention to achieve some target, and to achieve that target they would be having some do's and don'ts. To bring that do's and don'ts into public, they would bring some policy, and that policy would become a public policy. Next, after the Thomas R. Oye, there was another professor named as Richard Rose, says that public policy is not a decision, it is a course of pattern of activities. It is not at all a decision. Yeah, very true. When would someone say that it is a decision? When that is the only thing to be done. But public policy is not the only thing to be done, that will not the final cause, they would be amended by time to time. So it is just a course of action which we have selected and we have opted that to be done. Maan lo abhi ke liye baat karu, GST can be termed as a decision. It is a course of action what India has adopted. We adopted to cancel our previous acts of service tax, central excise, and this VAT thing, and to bring goods and service tax into India. So the question is that would GST be termed as a public policy? Yeah, at the present time it is, but can it be termed as a decision? No. As per Richard Rose, it is not a decision, it is a pattern or course of action which we have opted to follow. Next, after Richard Rose, another professor named Carl said that in his opinion, public policy are proposed course of action of a person, group or government within a given environment, providing opportunities and obstacles which the policy was proposed to utilize and overcome it with an intention to achieve the goal or a predetermined objective. यानी कि public policy एक course of action है कि जो हम लोगों को दिया है या फिर एक group को या government ने दिया है हम लोगों को follow करने के लिए, along with the obstacles and along with the benefits, with an intention कि ये obstacles, ये hurdles हम निकाल दे by time और उसके benefits से हम आगे बढ़े. To achieve what? To achieve one single goal what government had previously in their mind. So the question arises कि इतना जो काल कह रहे हैं क्या उसका कोई रिलेवेंस है एट द प्रेजेंट टाइम? या फर्स्ट द गवर्नमेंट मेक्स द प्रे ऑफ अ नीड, कि क्या कोई नीड है कोई पॉलिसी लाने का. उसके बाद गवर्नमेंट सोचता है कि इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लॉज होने चाहिए. ये लॉज लाने के बाद वो सोचता है कि इसके अंदर गलतियाँ क्या है और कितने बेनिफिट्स है, कहाँ कहाँ दिक्कतें होंगी, कहाँ कहाँ हमको बेनिफिट मिलेंगे. ये दोनों के साथ वो हमारे पास रख देता है लॉ. बाई टाइम हम लोग उन ऑब्स्टिकल्स के साथ सेट हो जाते हैं और बेनिफिट से हम आगे बढ़ते हैं. इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का गोल अचीव होता है और हमारे ऊपर एक और बेटर सोसाइटी का प्रेजेंटेशन
मिल सकता है. सो दैट इज वॉट प्रोफेसर कार्ल सेज दैट इट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन विच इज गिवन टू अ ग्रुप टू फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक गोल विद इन द गिवन ऑब्स्टिकल्स एंड द बेनिफिट्स. नेक्स्ट वॉट आफ्टर दैट पब्लिक पॉलिसी इज डिफाइंड विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स. वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन अ पब्लिक पॉलिसी. द वेरी फर्स्ट थिंग वुड कम टू अस इन अवर माइंड इज द गोल ओरिएंटेड कैरेक्टर. Public policies are targeted. They target to something and they try to achieve that goal. If I say the public policy was running with a goal of achieving financial inclusion, that is the reason why we brought Jan Dhan Yojana. If I say the public policy was running with a task to bring some tax reforms in indirect tax structure, that is the reason why we brought goods and service tax. If public policy thought that they need to bring some reform in companies regulation, they amended the Act, Companies Act 1956, and they brought Companies Act 2013. So it would be goal oriented. There would be something lying behind any act of government in form of public policy. So government at the present time is working hard on all the matters which are a big concern to India, but they would frame some policy which would be for the benefit of the society and ultimately showing something to be achieved in some time. Next, after saying public policy is a goal oriented, public policy represents the outcomes of government collective actions. Jan Dhan Yojana is also a good example of it. सारी गवर्नमेंट ने मिलके से स्टेट एंड सेंटर से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सब ने मिलके एक टारगेट बनाया था कि हर एक बंदे का बैंक अकाउंट हो इंडिया के अंदर. वाई? टू क्रब करप्शन, यस. टू क्रब मिसयूज ऑफ एनी अथॉरिटी, यस. ये सारी चीजें निकाल के अगर मैं किसी एक गरीब को डायरेक्ट सब्सिडी देना चाहूँ तो कैसे दूंगा? तो उसके लिए मुझे उनका अकाउंट चाहिए. ये इंडिया में था नहीं. तो हर एक बंदे का एक अकाउंट हो वैसा सोच के गवर्नमेंट ने जनधन योजना शुरू किया. एंड दैट इज नथिंग बट अ कलेक्टिव एफर्ट. एंड थो इट इज अ पब्लिक पॉलिसी दैट एवरी वन मस्ट हैव वन सेविंग अकाउंट इफ यू आर इन सच अ रूरल एरिया एंड सो, तो ये पब्लिक पॉलिसी इज अ कलेक्टिव एक्शन ओनली. नेक्स्ट, द होल लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन कलेक्टिव एक्शन. अगेन द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर. यहाँ पे ऐसा हो सकता है द लीगल स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन अ काइंड ऑफ से डिलेड पैरामीटर्स, कि यहाँ पे जो केस को एक महीना लगना चाहिए उसको शायद 10-10 साल लग सकता है. लेकिन फिर भी जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड. जस्टिस मिलेगा, टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा. सो इट इज अ कलेक्टिव एक्शन ऑफ पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी. से काइंड ऑफ लेजिस्लेशन कि भले गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक ही ये कोर्ट चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक ही कोर्ट के डिसीजंस आने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अभी अगर गलती की है तो कोर्ट के पास हक है गवर्नमेंट को भी पेनल्टी लगाने का. सो नो वन इज गिवन से प्रिजुडिसे एनी एडिशनल बेनिफिट्स. नो वन इज प्रिजुडाइज्ड, नो वन इज बायस्ड इन जुडिशियरी ऑफ इंडिया. दैट इज वॉट वी से अ कलेक्टिव एक्शन इन इंडिया. Next, public policy is what the government actually decides or chooses to do. That is obvious that government क्या करना चाहता है. जो हमने definition सुना Thomas Owey का, वही definition यहाँ पे characteristic में दिया है. इसके अलावा आपको कोई additional points नहीं दिए है in the characteristics part, but still I would like to add something in it that पब्लिक पॉलिसी कैन बी टर्म्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो कॉन्स्टेंटली चलता ही जाएगा. आज एक पॉलिसी बना है, ज़रूरी नहीं है वो कंप्लीट है जैसे मैंने बोला, तो वो बाद में रिफ्रेम होगा, रिफ्रेम होने के बाद री इम्प्लीमेंट होगा. तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अंटिल एंड अनटिल इट इज़ कंप्लीटेड इन इट्स फॉर्म. तो दिस इज़ वॉट वी कैन से एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर गवर्नमेंट पॉलिसीज. बट why this government policies are made is quite clear now, but how this government policies are made, that is a big question. किस तरह से एक फ्लो चलता है गवर्नमेंट पॉलिसी में, क्या क्या आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, किस तरह से बनता है, हाउ इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स ऑन मेकिंग एंड फ्रेमिंग अ पॉलिसी, हाउ इंडियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स अ पॉलिसी, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी बातें अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आने वाला है. सो बी अटेंटिव ऑन इट, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम आई पर्सनली बिलीव दैट दिस पार्ट वुड बी कवरिंग सम क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द जुडिशियल स्ट्रक्चर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो what is happening and how it is happening. So let us start with it and be attentive on it. Government policy is a continuous process. As I said, government policy would be framed into slab basis, that there would be first nothing but the framing of the
problem, that what is the reason why we need to have this policy, policy identification or say problem identification. After identifying the problem, the government moving a step ahead that now if the problem is identified, to ab kya karna hai, iske solutions kya hai, what are the course of actions for making up this problem to be solved. So उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट वुड बी फ्रेमिंग अ पॉलिसी. पॉलिसी बनाने के बाद क्या किया, गवर्नमेंट वुड बी अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी कि नहीं इंडिया के अंदर हम ये पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं और इंडिया के अंदर इस तरह से हम काम करेंगे. दिस वुड बी द वे आउट कि इंडिया के अंदर ये कुछ सुधार आएगा. हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये दोनों बिल पास होंगे. बिल पास होने के बाद वो एक्सेप्ट होगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के लिए साइन करेगा. उस दिन से जब ये प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे तब जाके ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा. बट इज दिस पॉलिसी कंप्लीट, नहीं. तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रोसेस स्टार्ट हुई बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने पॉलिसी फ्रेम किया, पॉलिसी फ्रेम करने के बाद पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया. एंड देन आफ्टर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बाद डेविड एस्टन के मुताबिक एक फीडबैक मॉडल चलेगा, ब्लैक बॉक्स मॉडल चलेगा, जिसके मुताबिक यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर अब क्या चेंज करने की जरूरत है, इसके अंदर अब लॉ क्या परफेक्ट है, कि इसके अंदर कुछ चेंजेस है, ऑब्वियस चेंजेस आएंगे और उसको हम रीमेक करके एक फाइनल पॉलिसी बना के पास करेंगे. सो पॉलिसी इवेल्युएशन वुड बी टेकन अप एंड देन आफ्टर दैट वुड बी मेड. सो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इट वुड बी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप इट वुड बी पॉलिसी फ्रेमिंग, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के बाद पॉलिसी अडॉप्शन, पॉलिसी अडॉप्शन के बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारा फाइनल जो आएगा दैट वुड बी पॉलिसी इवेल्युएशन. एंड देन आफ्टर इट वुड बी अगेन विद द पॉलिसी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड साइकिल वुड गो ऑन एंड ऑन. दैट इज द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. बट ये बात हुई थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली किस तरह से जाता है. प्रैक्टिकली इफ आई से इंडिया के अंदर देर आर टू बेसिक बॉडीज विच मेक लॉज इन इंडिया. कौन दो? द वेरी फर्स्ट वन इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, की जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बाउंड्रीज के अंदर कुछ स्टेट टेरिटरीज के लिए बनाता है. बट द वे वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, दिस 35 वुड ऑल टूगेदर मेक समथिंग फॉर देमसेल्व्स. इन 30 स्टेट्स के लिए वो कुछ सोचेंगे और उसके अलावा क्या करना चाहिए इन सबको यूनाइट रखने के लिए, सबके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से काम करता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी थिंकिंग फॉर देयर ओन टेरिटरीज, देन दैट वुड बी होल ऑफ इंडिया. तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करेगा, जिस तरह स्टेट के लिए अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, द स्टेट असेंबली है, उसी तरह सेंट्रल के अंदर एक पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज है, दोनों हाउसेज अपने अंदर के अलग अलग लोग हैं. इफ आई से हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देर आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, की वहाँ पे स्टेट मिनिस्टर्स एंड द यूनियन मिनिस्टर्स वुड बी गैदरिंग फॉर द डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इन देयर स्टेट्स एंड यूनियन. बट व्हेन वी से द लोकसभा, इट इज हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल यानी कि हमारे ही कुछ सिटीजन जो कुछ अलग ही पोजिशन में है, हु हैव वर्कड वेरी वेल इन द इकोनॉमी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, उनको हमने टिकट दिया है, वहाँ एक सीट दिया है कि जो हमारा वॉइस बन के वहाँ पर रिप्रेजेंट करे. तो लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस. When the bill is passing, किस तरह से ये प्रोसीजर जाएगा, किस तरह से कोई भी एक लॉ बनेगा. तो मेकिंग ऑफ अ लॉ इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, तीन फेज के अंदर डिवाइडेड है. द वेरी फर्स्ट फेज इज नथिंग बट द से द प्री लेजिस्लेटिव फेज, द सेकेंड फेज इज द लेजिस्लेटिव फेज एंड द थर्ड फेज इज द पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज. ये तीनों फेज के अंदर कोई भी एक लॉ बनता है, कोई भी एक पॉलिसी बनता है. तो वॉट आर द एक्टिविटीज विच आर कैरिड ऑन द प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, लेजिस्लेटिव स्टेज एंड द पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज आर टू बी डिस्कस्ड नाउ. इन द प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, की जब कोई भी लॉ बनाने की बात आती है तो पहले तो बात आती है नीड ऑफ द लॉ. वॉट इज द नीड टू मेक अ लॉ, वॉट इज द नीड ऑफ चेंज. तो वो नीड के ऊपर डिस्कशन चलता है. नीड के बाद देखा जाता है क्या ये प्रॉब्लम के कोई सॉल्यूशंस है, हाँ है, तो वो अगर सॉल्यूशन है तो कितने हैं, उन सारे सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन होता है. फाइनली एक बिल का ड्राफ्टिंग होता है और वो ड्राफ्ट हम लॉ मिनिस्ट्री को देते हैं टू बी वेटेड, कि वो एक बार ओवरव्यू करे और इसके अंदर कोई भी करेक्शन प्राइमा फेसली उनको लगे तो वो बना के हमको एक फाइनल ड्राफ्ट बिल वो बना के दे. ये बिल बनने के बाद अब यहां पे लेजिस्लेटिव प्री लेजिस्लेटिव काम खत्म हुआ, कि हमने लॉ बना दिया, अब इस लॉ को पास करवाना एक लेजिस्लेटिव स्टेज में जाएगा. एक स्टैंडिंग कमेटी होता है कि जो
पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को हम ये बिल देंगे, वो स्टैंडिंग कमेटी रेफर करेगा, स्टडी करेगा बिल के ऊपर टोटली एक एक प्रोविजन के लिए. क्यों? क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में और लोकसभा में लोग हैं, दे मे बी हैविंग सम स्किल सेट ऑफ देयर फील्ड, बट दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट द लॉ, दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट द ईच एंड एवरी माइन्यूट रिक्वायरमेंट. तो उसके लिए एक कमेटी बना है. दिस स्टैंडिंग कमेटी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द लॉ फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटिव टीम, से प्री लेजिस्लेटिव टीम, वो कंट्रोल करेगा इन लॉ के अंदर के कोई भी माइन्यूट थिंग्स के ऊपर, और उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बना के वो फाइनली सजेशंस पास करेगा. जब ये कमिटी पास करेगा, कमिटी फाइनली उसको अप्रूवल देगा, कमिटी के अप्रूवल के बाद ये बिल पास होगा, दैट वुड द बिल वुड बी मूव्ड पास्ड एंड कंसिडर्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में किस तरह से, पहले लोअर हाउस में जाएगा, लोअर हाउस के अंदर हमारे लोकसभा के लोग यानी कि हमारे हाउस ऑफ द पीपल यानी कि हमारे सिटीजन्स विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस इन दैट पार्लियामेंट, वो लोग इसके ऊपर स्टडी करेंगे, उनको सही लगा तो वो मूव करेंगे, अप्रूव करेंगे और कंसिडर करके पास करेंगे. वंस द बिल इज पास्ड इन लोकसभा, इट वुड बी मूव्ड इन टू राज्यसभा. राज्यसभा में जाने से पहले बीच में एक ज्वाइंट कमेटी आता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का. वो ज्वाइंट कमेटी से समझाता है कि क्या ये बिल है, किस तरह से है, उसको रिप्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं. वो स्टडी करने के बाद एक फाइनली ड्राफ्ट पेपर बनाएगा और उस ड्राफ्ट पेपर के अंदर जो भी प्लस माइनस उनको लगेगा कि ये चीज़ें निकालनी चाहिए, ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर अब डिस्कशन होगा राज्यसभा के अंदर. राज्यसभा के अंदर हमारे मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ द स्टेट, द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज वुड कम टुगेदर टू टेक अ डिसीजन कि क्या ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. कंसिडरिंग दैट, वो यहाँ पे एक डिस्कशन के बाद फाइनली बिल को मूव करेंगे, अप्रूव करेंगे, कंसिडर करेंगे. देन आफ्टर द बिल इज अप्रूव्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेस, क्या अब ये लॉ बन गया? नहीं. मियरली बाय पासिंग अ लॉ विद इन द हाउसेस डजंट मीन दैट इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड. जब तक प्रेसिडेंट ऑफ अवर नेशन doesn't give his assent to this law, this can't be termed as a law. तो यहां पे अब ये लेजिस्लेटिव फेज खत्म हुआ? नहीं. ये लॉ जब कमिटी ने रिकमेंड किया, पार्लियामेंट ने पास किया, तब पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट वुड बी हैविंग अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज. तो विद इन 30 डेज उनको स्टडी करना है, अपनी तरीके से उनको देखना है कि इसके अंदर क्या चेंजेस है, कुछ है या नहीं है, उनको जो भी सही लगे उस तरह से उनको ये लॉ को समझना है. फाइनली ये लॉ जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर कुछ अपनी इंक्वायरी करेगा, अपनी तरह से स्टडी करेगा, उसको अगर सही लगा कि ये ड्राफ्ट बिल फाइनल जो पास होके आया है, अगर कहीं करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको एक्सेंट देके फाइनली साइन करके पास करेंगे, एंड देन आफ्टर इट वुड बी लॉ ऑफ द लैंड. और स्टेज के ऊपर ये लेजिस्लेटिव फेज खत्म होगा. लेकिन मान लो कि एक सेकंड के लिए कि प्रेसिडेंट का दिमाग खिसक गया, इन सच अ सिनेरियो प्रेसिडेंट ने समझा लेकिन उसको लगा कि नहीं, ये लॉ बराबर नहीं है, इसमें कहीं पे गलती है, तो क्या वो कैंसल कर सकता है, क्या वो रिवॉक कर सकता है साइनिंग? हाँ, वो कर सकता है. अगर मान लो प्रेसिडेंट जी ने ये चीज़ को कैंसिल किया और उसको से टोटली डिनाई कर दिया, तो क्या वो सीधा पार्लियामेंट में जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए कि वापस जाएगा प्री रजिस्ट्रेटिव फेज में नया बनने के लिए? वो वापस जाएगा प्री रजिस्ट्रेटिव फेज में नया लॉ बनने के लिए, वापस दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा और वापस प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, तब जाके कोई लॉ इंडिया के अंदर बनेगा. प्री लेजिस्लेटिव फेज की हम लॉ बनाते हैं लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ है. लेजिस्लेटिव फेज लॉ बन चुका है, अप्रूव भी हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा कब? जब प्रेसिडेंट साइन करेगा. यानी कि प्री लेजिस्लेटिव फेज के अंदर लॉ बना, लेजिस्लेटिव फेज में इम्प्लीमेंट हुआ. अब बात आती है पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज, यानी कि इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या. एज आई सेड, पॉलिसी मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक लॉ बना, उसके बाद उसके ऊपर का स्टडी होगा, स्टडी होने के बाद एक बार इम्प्लीमेंट होगा, अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद एक्सेंट आएगा प्रेसिडेंट का और इम्प्लीमेंट होगा. इम्प्लीमेंट होने के बाद अब फीडबैक आएंगे लोगों से कि इसमें क्या गलतियाँ है, कहीं पर मिस्टेक है, तो क्या चेंजेस करना है. ये सारी चीज़ों को समअप करके एक फाइनल ड्राफ्ट जो बना है उसके अंदर फिर से रिकंसिडरेशन होगा पार्लियामेंट के अंदर या फिर काउंसिल के अंदर, कि जो पार्लियामेंट ने बनाने को बोला है. हर बार जरूरी नहीं है कि छोटे मोटे चेंजेस के लिए पार्लियामेंट में बिल पास हो और उसके लिए हम प्रेसिडेंट के पास जाए और नया बिल बनाए. सो बेटर है लॉ के अंदर ही एक कमेटी बना दे कि जो एम्पावर्ड हो बाय द पार्लियामेंट, कि उनको जो सही लगे उस तरह से चेंजेस करे, अनलेस एंड अंटिल पार्लियामेंट डिनाइज दोस चेंजेस. तो यहां पे एक बार हम लोगों ने लॉ बना के इंप्लीमेंट किया, अब पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज स्टार्ट होता है.
कि लोग उसको समझेंगे. द फॉलोअर्स ऑफ द लॉ वुड बी कमेंटिंग ऑन इट, बेस्ड ऑन दैट फीडबैक वुड बी टेकन, एंड आफ्टर दैट फीडबैक फाइनली एक नया लॉ वापस ड्राफ्ट होगा और फिर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा. यानी कि द चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स वुड बी ब्रॉट अप अगेन एंड अगेन. मान लो मुझे ये पूरा प्रोसीजर नहीं करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक हिडन एजेंडा है, एक हिडन पॉइंट है जो बुक में ने बुक में ही है लेकिन अलग तरीके से दिया है. अगर मान लो ये पूरी प्रोसेस कि मैं पहले नीड सोचूं प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन सोचूं, लॉ बनाऊं, बनाने के बाद लॉ मिनिस्ट्री में वेट करवाऊं, उनको बाद में एक्सेप्टेंस के बाद मैं स्टैंडिंग कमेटी को दूं, कमेटी रेकमेंड करेगा, कमेटी रेकमेंड करने के बाद दोनों हाउस पास करेंगे, पास करके प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद लॉ बनेगा और बाद में फीडबैक आके करेक्शन हो, बेटर है कि बजटरी स्पीच के अंदर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर एक पॉइंट ऐड कर दे और वो बजट के बेस के ऊपर बजट अप्रूव होगा, उसके साथ साथ वो भी अप्रूव हो जाएगा और डायरेक्टली लॉ पास हो जाएगा. दिस इज अ शॉर्टेस्ट वे आउट बट स्टिल इट इज नॉट यूज दैट हैवीली, क्योंकि हो सकता है कि बजट कंप्लीटली अप्रूव ना हो और पार्शियली अप्रूव हो. अगर नहीं हुआ तो बाद में वापस वही का वही प्रोसीजर आके करना पड़ेगा. लेकिन एक तरीके से ये रिकमेंडेशन हो सकता है बजट के अंदर, और बजट के अंदर अगर ये पास हो गया दैट मीन्स कि इट इज लॉ ऑफ द लैंड. सो बी अवेयर अबाउट दिस दैट लॉ मेकिंग इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, लेजिस्लेटिव, प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द लेजिस्लेटिव पार्ट, जहाँ पे हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कम टूगेदर to discuss on one topic and then after they pass some certain laws on that. Next, यहाँ पे अब आपको दिया है कि what are the nature of public policies. The public policies are derived into three natures only. One, it is facilitative nature. Another, it is restrictive nature. And third, it is regulatory nature. Now, what are these three? Let us take the very first one, the restrictive nature. Restrictive nature of public policy is like that. These are the don't list. These are the list which you must be aware of that they are not to be done. अगर मान लो मैं कहता हूँ कि रात को 12 बजे के बाद आपको लाउड स्पीकर के ऊपर गाना बजाना अलाउड नहीं है कि जो सराउंडिंग्स को डिस्टर्ब करे, दैट इज अ लॉ. इन द सेम मैनर यहाँ पे दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर लीकर अलाउड नहीं है, देन दैट इज अ लॉ, दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी. अगर मान लो रिजर्वेशन सीट्स के ऊपर, फीमेल रिजर्वेशन के कोटा और सीट्स के ऊपर अगर कोई मेल बंदा बैठा है तो वो गलत है, बिकॉज इट इज अ रिस्ट्रिक्टिव लॉ कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल ही बैठेगी. तो दिस इज नथिंग बट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव नेचर. व्हेन वी से रेगुलेटरी नेचर, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमने organizations banai hai to control the environment, to control the economy. If I talk about the forming of an organization named RBI, to kiske liye? To control the banks. Forming of SEBI to control the stock exchange and shares and securities. Framing of this IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, then it is for controlling the insurance businesses. To ye regulatory authorities and laws hue ki jo regulatory policy है, जो काम करने का तरीका बताती है, किस तरह से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करती है. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फैसिलिटेटिंग पॉलिसी. फैसिलिटेटिंग यानी कि क्या, कि गवर्नमेंट ने आपके लिए, आपके अच्छे लाइफ के लिए क्या किया. अगर गवर्नमेंट ने मान लो कोई स्कीम के अंदर किसान कल्याण योजना स्टार्ट किया तो वो एक फैसिलिटेटिंग पॉलिसी बना. अगर मान लो गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बेटर बनाया तो वो एक फैसिलिटेटिव पॉलिसी हुआ कि हम किस तरह से काम करेंगे और उसकी वजह से हमको क्या बेनिफिट एडिशनल मिलेंगे. अगर मान लो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देता है, देन दैट इज अ फैसिलिटेटिंग पॉलिसी. सो दिस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पब्लिक पॉलिसी and the nature of public policy. The next part is about post-independence public policy, yani after independence kya hua. Mark, this is the most important part to understand at the present time, kyunki इंडिया में, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब तक की स्टोरी हम सबको मालूम है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस का स्टोरी बहुत कम लोगों को मालूम है. हर कोई जानता है कि गांधी जी ने क्या किया, हर कोई जानता है कि भगत सिंह ने क्या किया, इंडिपेंडेंस कैसे मिला, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस देश को चलाने के लिए हमने क्या किया, इट इज टॉक्ड इन दिस पार्ट. व्हेन वी से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया,
सबसे पहले तो 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके साथ हमारा लॉ स्ट्रक्चर नहीं बना था. इफ़ आई से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड ऑन 26 जनवरी 1950. बनाने का काम शुरू हो गया. डॉक्टर आम्बेडकर जी को हमने कह दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो हमको बाइंड करे, जो जिससे एवरी सिटीजन इज बाइंडेड, और उसके मुताबिक हम कोई लॉ बना के हमारा स्ट्रक्चर बनाए. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम बनाना शुरू हो गया 1947 आज़ादी के दिन से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया 1950 के अंदर. ऑन 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हमने एक्सेप्ट किया दैट दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बीच में क्या कोई लॉज नहीं बने होंगे? नहीं बने. पार्लियामेंट के अंदर हमने अलग अलग स्टेटमेंट पास किए. वी नेम्ड इट एज अ स्टेटमेंट एंड वी डिडंट नेम इट एज एन एक्ट, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था एज अ लॉ ओनली, और वो ऐसे ही चलाना था. तो सवाल यह आता है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी बिटवीन दैट पीरियड. एट द फर्स्ट प्लेस 47 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ इंडिया इज फ्री, इंडिया इज इंडिपेंडेंट. लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या? 47 में इंडिया आज़ाद हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए. 1948 के अंदर हमने सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीस्टेट से स्टेटमेंट पास किया कि अब इंडिया इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान देगा. द डोमिनेंट पोजीशन वाज गिवन टू नन अदर देन द पब्लिक सेक्टर एंड द सपोर्टिंग रोल वाज प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. लेटर ऑन 1950 के अंदर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, 51 के अंदर हमने एक कानून पास कर दिया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, कि इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग यहां से बात होगी. दैट वाज एन एक्ट पास्ड इन 1951 कि जो हमको बताएगा कि इंडस्ट्रीज में क्या करना है, किस सेक्टर को प्रायोरिटी में रखना है, कौन रखेगा, गवर्नमेंट की प्राइवेट. लेटर ऑन 1955 के अंदर हमको लगा कि नहीं, अब एक अलग ही पॉलिसी बनना चाहिए. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द वेरी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज पास्ड इन 1955-56 एंड देन आफ्टर इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, विच क्लियरली मेंशनड कि प्राइवेट सेक्टर वोंट हैव अ बिग रोल अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग रोल टू द गवर्नमेंट. Government would be the one who would be having the responsibility of industrialization and growth of industries in India. Private sector would merely be a support tire and not the main tire to that car. Next. What happened after 1956 के अंदर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया. लेटर ऑन पता चला सालों बाद कि नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है. 77 के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज होने के ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी चेंज हुआ. 77 के अंदर नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया जिसने फोकस किया स्मॉल सेक्टर्स के ऊपर. हमारे छोटे सेक्टर्स को आगे लाने के लिए उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक सिनारियो ऐसा था कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़े वरना यहाँ इकोनॉमी डूब सकता है. तो 77 के अंदर सब लोगों को आगे लाने का एक ही तरीका है, इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा थोड़ा बढ़ाए, इंडस्ट्रियल रोल उनका बढ़ाए और स्मॉल सेक्टर एंड प्रायोरिटी सेक्टर गिन के उनको आगे लाए. 77 का ये पॉलिसी अच्छा रहा, लेकिन हद से ज़्यादा बेनिफिट्स और वन साइडेड ग्रोथ क्राइटेरिया, अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आप बड़ी चाबियाँ दे दो तो वो कुछ गलत कर सकता है. ड्यू टू दिस रीज़न 1985 के अंदर एक ऐसी नीड आई कि इकोनॉमी वन साइडेड जा रहा था, इकोनॉमिकल ग्रोथ का लेवल कम था, poverty was still on a very high rate, but government was helpless to do anything. 1990 was the time when government thought ki nahi, now it is high time to do something, humko kuch na kuch lana padega, and finally government decided to bring some big economic reforms in India to grow India. So what were the steps taken by the government? सबसे पहले तो 50s के अंदर जब लॉ बन रहा था तब गवर्नमेंट ने सोचा कि अपनी इकोनॉमी को कौन सा मोड देते हैं, वेदर यू टेक इट कैपिटलिस्ट टू सोशलिस्ट की मिक्स्ड. हमने दोनों चीज़ें छोड़ दिया, दोनों की अच्छी चीज़ें लेके एक कम्बिनेशन बनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट वॉज फर्स्ट गिवन बाई इंडिया ओनली. पूरे दुनिया में इंडिया एक ही ऐसा नेशन है जिसने फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट एक्सेप्ट किया और बनाया, खुद ने बनाया अपने लिए, जिसके अंदर आज की तारीख में भी वो हम फॉलो कर रहे हैं. सो फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ. तो किस तरह से काम करना था, सवाल ये आता है. 1990 तक पहुँचे, उससे पहले ये समझना है कि किस तरह से काम हुआ. ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या, कुछ भी टारगेट हो तो वो टारगेट देगा कौन, टारगेट बनेगा कैसे, क्या टारगेट होगा, डिसाइड कौन करेगा, ये सारे सवालों के जवाब हमने एक ही आंसर में दे दिए कि हमारे यहाँ हम प्लानिंग कमीशन के मुताबिक काम करेंगे. द प्लानिंग कमीशन वुड बी द हेड अथॉरिटी जो डिसाइड करेगा हर 5 साल के लिए प्लान फॉर इंडिया. एवरी 5 ईयर देर वुड बी अ प्लान कि हम ये बनाएंगे, ये करेंगे, इस तरह से आगे जाएंगे और इतनी चीज़ें अचीव करेंगे. हर 5 साल के बाद प्लानिंग कमीशन नया प्लान रखेगा और उसके मुताबिक वापस काम करेंगे.
टारगेट शूटिंग वॉज द अप्रोच, कि इतने सारी चीजें नेगेटिव है, सारी की सारी चीजें एक के बाद एक हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। वी कैन से कि गवर्नमेंट का सोच इतना क्लियर था कि अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो सारे के सारे चीजों को एक साथ अचीव करने के लिए सोचना पड़ेगा और धीरे धीरे करके सब चीजों को अचीव करेंगे। यानी कि पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, वो भी एक सोच में रहेगा, पॉवर्टी इज अ प्रॉब्लम, वो भी सोच में रहेगा। लेकिन ये काम किसका? प्लानिंग कमीशन का। लेटर ऑन इन 2014 जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ, मोदी सरकार आई, उन्होंने सोचा कि प्लानिंग कमीशन इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, उनकी जगह पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमको रियलिस्टिक टारगेट्स दे और उसको अचीव करने के लिए कुछ अच्छी तरह से वे आउट दे। सारे टारगेट्स एक साथ अचीव कभी नहीं हो सकते, एक के बाद एक टारगेट को हम शूटिंग लेंगे और फाइनली एक के बाद एक को अचीव करेंगे। एट द प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट ने ये सोच के साथ प्लानिंग कमीशन को ही निकाल दिया और उसकी जगह पे लाके रख दिया नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दैट इज व्हाट वी से कि नीति आयोग आने के बाद एक बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज आया। 1st of January 2015 से नीति आयोग इंडिया के अंदर आ गया और नीति आयोग ने हमको सजेस्ट किया कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। लेकिन व्हाट हैपेंड इन 1990? स्टिल द क्वेश्चन रिमेंस द सेम। 1990 के अंदर जब गवर्नमेंट ने अपनी तरह से एक बार ध्यान दे के सोचा कि अगर इतने सारे इश्यूज है तो इश्यूज किस वजह से है? इश्यूज है, उनका रीज़न एक ही है कि हमने पब्लिक सेक्टर पे फोकस ज़्यादा किया है, प्राइवेट सेक्टर को नेग्लिजेंटली इग्नोर किया है। अगर इग्नोर किया है तो हमने हमारी पॉपुलेशन को इग्नोर किया और उनके ग्रोथ को इग्नोर किया। कंसिडरिंग दिस, 1991 में हमने एलपीजी लाने का सोचा, लिबरलाइज किया अपने लॉज एंड रेगुलेशंस को, प्राइवेटाइज किया उन जगह को कि जहाँ पे उनको अलाउड नहीं था, एंड फाइनली प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दिया उन जगह पे कि जहाँ पे वो कभी पहले काम करते ही नहीं थे। नेक्स्ट ग्लोबलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, एंटर किया अपनी इकोनॉमी को उन स्टेट्स और कंट्रीज के अंदर कि जहाँ पे पहले बिजनेस हमारा कभी था नहीं। सो टेकिंग द होल पिक्चर ऑल टुगेदर, इंडिया ट्राइड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ बेटर वे देन बिफोर। दैट वॉज एलपीजी। नेक्स्ट, वॉट कुड बी सेड एज द इकोनॉमिकल चेंजिंग प्रोसेस? दिस इकोनॉमिकल चेंजिंग प्रोसेस इज नथिंग बट taking a step ahead in the global market. Now, when we talk about globalization, when we talk about economic change process, how our economy has brought a big change in the global markets, how India entered into global markets, what were the things which we taken into consideration at the time when we entered into the global market, India ki situation kya thi, kis tarah se usme change aaya. Everyone of you are aware ki economic reforms 1991 mein aaye, globalization humne start kiya, humne economy ke gates open kiye, बाहर से किसी को आना हो धंधे के लिए आ सकता है, हम भी जा सकते हैं। लेकिन व्हाट वर द पैरामीटर्स विच वर कंसिडर्ड? हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो भी आ रहा है या इन्वेस्टमेंट जो भी जा रहा है उसके लिए कोई पैरामीटर्स बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज शायद उसकी ज़रूरत इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन कल जब वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगा और वो प्रॉफिट लेके जब वापस जाएगा तब एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट होगी। कंसिडरिंग ऑल द ऑड्स अपार्ट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया, सोवियत यूनियन प्लेज अ बिग रोल हियर। द ब्रेक ऑफ सोवियत यूनियन, वो सोवियत यूनियन पूरा टूटा और 15 अलग से स्टेट्स के अंदर बट गया, यूरोपियन यूनियन वॉज अबाउट टू बी फॉर्म्ड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज एट द सुपर पावर। इन सच अ सिनेरियो इंडिया वॉज मियरली ऑपरेटिंग विद इन द क्लोज बाउंड्रीज। तो इंडिया ने सोचा कि अब अगर ये टाइम है कि जिसके अंदर हम कुछ बन सकते हैं तो यही टाइम है। कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने हमारे गेट्स ओपन किए एंड वी अलाउड फॉरन ट्रेडर्स टू एंटर इन टू इंडिया बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो टर्म हमने पढ़ा है उसका मतलब क्या? When we say foreign direct investment, we mean any foreign institution can enter into India for the purpose of investment into an entity by taking some equity stake of that company, but for a longer period, for not for a shorter period. वो एक लंबे अरसे के लिए बाद में इंडिया में रहेगा, वो स्टेक होल्ड करेगा और कंपनी को ग्रो करेगा, मैनेजमेंट का पार्ट बन के वहाँ पर काम करेगा। तो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्रोविजन्स बने। टिल द डेट ऑफ 1991 इंडिया वॉज टोटली अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ FDI, कि इंडिया प्रमोट नहीं करता FDI ज़्यादा, और इंडिया अगर कुछ वर्कआउट कर भी रहा है तो भी
वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेता नहीं था, इट वॉज टोटली रिस्ट्रिक्टेड सिंस 1947 टिल 1991, इंडिया डिंट प्रमोट दैट कंसेप्ट। लेटर ऑन गवर्नमेंट को पता चला कि नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो की वजह से फॉरेन कैपिटल इंडिया में एंटर होगा, फॉरेन कैपिटल होगा फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाएगा, रिजर्व बढ़ाएगा इंडिया का वर्थ बढ़ेगा, वर्थ बढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा। सो ये पूरा जो एक क्लाइमेट हमको दिख रहा है दैट इज विथ वन ओनली इंटेंशन कि इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने बनाए, दो रूट्स बनाए, देर आर ओनली टू वेज ऑफ इन्वॉल्विंग इंडिया इन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कौन कौन से? तो या तो कोई फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करे, या फिर हमारे ही ओवरसीज इंडियंस इन्वेस्ट करें कि जो आज पहले इंडिया में थे, जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर गए, वहाँ सेटल हुए और वहाँ से कुछ पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, यहाँ पे कहीं कोई एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तरीका क्या हो सकता है? क्या हम उनके ऊपर रिलाई करें जो इंडियंस है, या उनके ऊपर रिलाई करें जो नॉन इंडियंस है? तो हमने सोचा कि ये जो पोर्शन इंडियंस का आएगा वो बहुत छोटा होगा, ओवरसीज इंडियंस का पोर्शन बहुत छोटा होगा, जो बड़ा पोर्शन आ सकता है वो नॉन इंडियंस का आ सकता है, तो फॉरेन एंटिटीज को हमको अलाउ करना है। उनको अलाउ करने के लिए दो तरीके हैं, इंडियन अगर करना चाहते हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उतना बड़ा फ्लो ही नहीं है वहाँ से कैपिटल का। तो नॉन इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए क्या रोल आउट है? देर आर टू वेज, टू रूट्स कि जिसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन हो सकता है। वन इज नोन एज ऑटोमेटिक रूट, वन इज नोन एज अप्रूवल रूट। अगेन ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक रूट? ऑटोमेटिक रूट यानी कि अगर मान लो कोई कंपनी के अंदर आप इक्विटी स्टेक लेना चाहते हो टिल सर्टेन परसेंटेज एज मेंशन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ इतने परसेंटेज तक का स्टेक कोई भी फॉरेन एंटिटी ले सकता है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि अगर मान लो मैंने बोला कि कॉटन टेक्सटाइल के अंदर 12% तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है कोई भी फॉरेन एंटिटी का विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिक रूट में आ गया। आरबीआई के पास सिर्फ एक ड्राफ्ट लेटर देना है कि मैं इतने डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर कर रहा हूँ, एंड आरबीआई वुड बी गिविंग अप्रूवल ऑन दैट लेटर बेसिस, उसके बाद कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक रूट। लेकिन मान लो उस कंपनी को 14% का इन्वेस्टमेंट करना था, 12 का नहीं, तो एडिशनल 2% के लिए उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अप्रूवल रूट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब हर एक एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट तो देख नहीं सकता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक कमेटी बना दिया कि जो स्पेसिफिकली इसके लिए काम करेगा कि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करेगा। उस बॉडी का नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। FIPB वुड बी answering to that application कि क्या आपकी application accept हुई, reject हुई। मान लो central government ने बोला कि 12% तक automatic एंड 26% तक approval, अगर वहाँ पे कोई foreign entity 24% के लिए application करता है, 12 allowed है, additional 12% के लिए उसको approval लेना पड़ेगा। अगर approval दे दिया तो हाँ वो allowed होगा, नहीं दिया तो वो disallowed है। लेकिन मान लो उसने एप्लीकेशन किया 28% का, 12% ऑटोमेटिक में अप्रूव हो चुका, 14% जो बाकी रहा वो FIPB कर सकता है। क्या 16% एडिशनल कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि FIPB को भी 26% तक का ही अलाउड है एज पर दैट लॉ। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, कहीं पे 26% अलाउड हो, कहीं पे 49 अलाउड हो, कहीं पे 74% अलाउड हो, कहीं पे 100% अलाउड हो। आज की तारीख में ऐसे बाइफोकेशन है इंडिया के अंदर कि जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स के अंदर 100% है, कुछ सेक्टर्स के अंदर जीरो है। तो ये लिस्ट क्या है वो थोड़ी देर के बाद देखना है, लेकिन फॉर द प्रेजेंट टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी ब्रॉट इन टू इंडिया बाई टू वेज, या तो नॉन रेसिडेंट से आए या तो रेसिडेंट से आए जो वहां पे ओवरसीज इंडियन से, या फिर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर यू कैन से नॉन इंडियंस फॉरेनर्स के थ्रू। फॉरेनर्स के दो रूट हो सकते हैं, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक रूट, या फिर अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट आरबीआई की अप्रूवल से होगा, और अप्रूवल रूट हमारे FIPB के थ्रू होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट भी कहते हैं, गवर्नमेंट रूट भी कहते हैं। सो एट द प्रेजेंट टाइम देर आर फ्यू सेक्टर्स की जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100% ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें टोटली डिनाई किया है। लेकिन उससे भी पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉस चेंज किए। 1999 के अंदर गवर्नमेंट को लगा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड लॉस में कहीं मिस्टेक है, इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर से हो नहीं रहा है, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। तो हमारा पहले का जो लॉ था उसका नाम था फेरा, जो 1973 में बना था, और उसको हमने निकाला 1999 के अंदर। इट वॉज रिप्लेस बाई फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वॉज ब्रॉट अप इन रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेन
एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो एक्ट आया उस एक्ट का एक ही पर्पज़ रहता है कि वो जो मिस्टेक्स रहती है फेरा की उसको नलीफाई करे और उसको साइड में करके अपनी आप एक नया लॉ और नया एक कल शुरू करे। तो फेमा वॉज अ बेंचमार्क मूव बाई अवर गवर्नमेंट। फेमा आया, उसने कुछ इनक्रेडिबल मूव्स दिखाए, बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी लाए और चेंजेस के अंदर उन्होंने कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉस चेंज किए। गवर्नमेंट अलाउड अप्रॉक्सीमेटली 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिंगल ब्रांड रिटेल इन दैट टाइम। कि कोई भी एक सिंगल ब्रांड रिटेल कोई भी फॉरेनर स्टार्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर तो उसको 49% इन्वेस्टमेंट का स्टेक मिल सकता है। मल्टी ब्रांड के अंदर वो 26% पे रखा। लेटर ऑन आज की तारीख में उन दोनों के अंदर चेंज आ चुका है, लेकिन उस टाइम का सिनारियो मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट नीड फॉर रिफॉर्म्स इन दिस। फॉरेन कैपिटल आना शुरू तो हुआ लेकिन उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि देर आर टू वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेनर्स। या तो फॉरेनर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करे या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो एक वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन टेरिटरी के अंदर, वो लोग अपना एक कॉम्बिनेशन बना के वहाँ पे फंड बना के वो फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। दैट इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII वुड बी इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन टू वेज। आइदर इट वुड बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आइदर इट वुड बी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ यानी कि उसका पर्पस लॉन्ग टर्म है, मैनेजमेंट का पार्ट बनना है और उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट लाना है। अगर उसका पर्पस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है यानी कि वो थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करेगा, कुछ कंपनीज के अंदर हिस्सा लेगा लेकिन थोड़े बहुत टाइम के अंदर बेच के वो चला जाएगा। ये हिस्सा बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बड़ा होगा। वो हिस्सा मैटर करता है कितने परसेंटेज का, कितने टाइम के लिए है, उसके बेस के ऊपर ये चलता है। इंडिया में एक सिनेरियो ऐसा आया कि FII इन्वेस्टमेंट वॉज हायर इन FPI फॉर्म रादर देन FDI फॉर्म। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसके लिए करना क्या है। करने के लिए उनके पास कुछ तरीके थे और उन तरीकों को उन्होंने अप्लाई किया। उन्होंने से ईयर 1992 के अंदर गवर्नमेंट ने जब ग्लोबलाइजेशन डिक्लेयर कर दिया लेकिन सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उनको लगा कि फेरा से फेमा जाना पड़ेगा तो वो भी किया। उनको लगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी पड़ेगी वो भी किया। एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी वो भी किया। फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए उनके लिए एक स्पेसिफिक क्लॉज एंड गाइडलाइंस बनाना शुरू किया। ये सारी चीजें करने के बाद पॉलिसी डिसीजंस एंड गोल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उसकी बात है। लेकिन इस चीज को थोड़ा हम पहले थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एंड इंटेंशन क्या था। इंडिया में फॉरेन कैपिटल बढ़े, किस तरह से बढ़े और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स लेने के बाद उन्होंने जब क्लैरिटी के साथ देखा इंडिया के अंदर एक टाइम के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा तो उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बढ़ चुका था। ड्यू टू दिस व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट इज पॉजिटिव, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, रिजर्व बढ़ा, हमारा नेटवर्थ बढ़ा, इंडियन करेंसी कंपेरेटिवली स्ट्रांग बना इन कंपेयर टू व्हाट इट वॉज इन 1990। तो हमारा ये मिशन सक्सेस रहा, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट के अंदर। अब बीच में दो टॉपिक उन्होंने अलग ही दे दिए, लेकिन बीच में ये अगर हम स्किप करें तो लास्ट के अंदर उन्होंने वापस दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो पहले मैं ये पार्ट कवर कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो इसके साथ कनेक्ट में आ रहा है। उसके बाद वो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी डिसीजन एंड गोल का हम लेंगे। व्हेन वी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, उसके अंदर कुछ नया नहीं है। लेकिन इंडिया में कौन कौन से स्लैब्स है, या तो वो 0% इन्वेस्टमेंट होगा, या तो 26% तक का होगा, या तो 49 तक का, या तो 74 तक का, या फिर 100% होगा। इसके अलावा कोई स्लैब्स नहीं है। 51 एक स्लैब है कि जितना अलाउड है बाकी अलाउड नहीं है। तो कौन से सेक्टर के अंदर कितना है उसके ऊपर का यहाँ थोड़ा बहुत ग्लांस दिया है। आज की तारीख में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 100% अलाउड है। आज की तारीख के अंदर अगर मैं बात करूँ डिफेंस एंड मीडिया, क्या उसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डिफेंस एंड मीडिया इज सॉर्ट ऑफ मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। टू मेंटेन दैट इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियंस, इंडिया के अंदर न्यूज़ चैनल मीडियाज के अंदर कहीं पे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। इट इज 100% बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कैपिटल। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट सिंगल ब्रांड रिटेलिंग, वो आज की तारीख में 100% तक का FDI अलाउड है। मल्टी ब्रांड रिटेलिंग 51% तक का अलाउड है। 49 या 51% बुक के अंदर एक बार रिकनसाइल कर लेना। लेकिन आर देर एनी सेक्टर्स की जहां पे वो 0% अलाउड हो? यस,
एट द प्रेजेंट टाइम देर आर 9 or 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेक्टर्स की जिसके अंदर गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटली डिनाई किया है कि इसके अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर एक पाई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। देर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड दैट, लेकिन ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉटरी बिजनेस, लॉटरी बिजनेस के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर अलाउड नहीं, चिट फंड के बिजनेस में अलाउड नहीं। अगर कोई बंदा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन द बिजनेस ऑफ से निधि कंपनीज, उसमें भी अलाउड नहीं है। अगर मान लो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के बारे में बोलूँ, न अलाउड नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर फार्म, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार सिगरेट्स, वो जो चीज़ है कि जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, वो सारी चीज़ों में अलाउड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये रखने का पर्पस क्या है? ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि फॉरेन इन्वेस्टर वुड बी मेकिंग अ बिग क्रंच ऑफ मनी इन इट एंड ही वुड बी टेकिंग दैट मनी अवे टू हिज टेरिटरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेन एवर ही इज विलिंग सो। तो ये ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ इतनी इतनी सिंपल चीज़ बनाई है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला ना ही अप्रूवल रूट ना ही ऑटोमेटिक रूट, कहीं पे भी इसका अलाउंस नहीं मिलेगा। चाहे आप एप्लीकेशन करो या ना करो, आपको इसके अंदर परमिशन नहीं मिलेगा। कुछ बिजनेसेस तो इसमें ऐसा है कि जिसके अंदर इवन एक इंडियन को भी मना किया है, तो किसी फॉरेनर को तो कैसे मना के अलाउ करेंगे? अगर एक इंडियन को भी करना है तो भी लाइसेंस लेके करना है कुछ बिजनेस में। तो ये सारे वो है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया है। द लिस्ट इज गिवन इन टू योर बुक एट पेज नंबर 4.13 एंड बी वेयर ऑफ दैट पेज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर समझना है दैट इज एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इज नथिंग बट द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, जो यूरेनियम प्लूटोनियम थर्मन से जो एनर्जी जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उन प्लांट्स को डालने के अंदर हम कहीं पे भी फॉरेन कैपिटल यूज नहीं करेंगे, ऐसा यहां पे बोला गया है। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एज आई ऑलरेडी सेड, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिचुएटेड विद इन इंडिया, इट इज नोन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड द पर्सन इज नोन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया के अंदर हम प्रमोट किसको करते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं? एज पर द नॉलेज व्हाट इज शेड बाय द बुक्स, आई कैन सिंपली से इंडिया के लिए बेटर क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट टर्म, इट वुड बी लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म किससे मिलता है, FII से कि FDI से? इट वुड बी थ्रू FDI। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट वुड बी प्रीविंग टू गेट मोर ऑफ FDI इन कंपेयर टू FII। तो ये लास्ट पॉइंट था बुक के अंदर, लेकिन क्योंकि हमारा बीच का कुछ बाकी है, प्राइवेटाइजेशन बाकी है एंड एज वेल एज द पॉलिसी डिसीजन गोल बाकी है, लेट अस मूव ऑन टू दैट पार्ट एंड देन आफ्टर वी आर डन विद द यूनिट। फॉर द प्रेजेंट टाइम वी कैन से दैट पॉलिसी डिसीजन एंड गोल्स, उनमें फ़र्क क्या पड़ जाएगा, उन सबका इंटेंशन कहीं पे कुछ ना कुछ एक ही चीज़ के ऊपर टारगेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉलिसी डिसीजन एंड गोल्स? व्हेन वी से पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, डिसीजन, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, गोल्स, गोल्स ऑफ द इकोनॉमी, ये तीनों में याद रखना कि गोल्स आर द फर्स्ट स्टेप की लास्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहले एक गोल बनता है, गोल को अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है, कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए जब चॉइस करना पड़े उस चॉइस को कहते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है कि इसको चूज किया गया, एंड दैट डिसीजन वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ लॉ एंड दैट लॉ वुड बी टर्म्ड एज पब्लिक पॉलिसी। तो 3-step प्रोसेस हुआ, फर्स्ट वुड बी गोल, नेक्स्ट वुड बी पब्लिक पॉलिसी, नहीं डिसीजन, डिसीजन के बाद पब्लिक पॉलिसी। तो एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा आपकी बुक में दिया है, अ पॉलिसी एन्यूमरेटेड फ्रॉम डिसीजन एंड डिसीजन इज टेकन इन लाइन विथ गोल्स। अ पॉलिसी इज एन्यूमरेटेड, वो निकला कहाँ से, डिसीजन से, डिसीजन इज इन लाइन विथ गोल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे आर ट्राइंग टू से कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी तरह के पॉलिसीज हो सकती है। देर आर 3 types ऑफ पॉलिसी, टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, आइदर इट कुड बी रेगुलेटरी पॉलिसी और इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटरी? रेगुलेटरी पॉलिसीज यानी कि वो बात करता है कि कंट्रोल्स के बारे में, से रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि इतनी चीज़ें कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते। जब इन जनरल बात हो,
ये पॉलिसी सबको इम्पैक्ट करेगा। जब मैंने बोला कि गुजरात के अंदर लीकर अलाउड नहीं है, तो क्या वो सिर्फ हिंदूज के लिए है, मुस्लिम्स के लिए है? नहीं, सबके लिए है, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन। तो वो रेगुलेटरी पॉलिसी बना। लेकिन मान लो मैंने एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए पॉलिसी बनाया, कि मैंने से आरक्षण का पॉलिसी बनाया कि कोई भी जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स में आता है, तो उनको गवर्नमेंट 49% आरक्षण देगी अपनी जॉब्स के अंदर। अगर ऐसा कोई क्लॉज और लॉ बनाया, तो वो क्या पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया कि सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को इम्पैक्ट किया? देन इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ऊपर, पूरे के पूरे इंडिया पे नहीं। अगेन, अगर मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता हूँ, फॉरेन कैपिटल के लिए पॉलिसी बनाता, तो इम्पैक्ट किसको करे? सब बिजनेसमैन को, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स ओनली। क्यों? क्योंकि उनको लेना देना है इस चीज़ से, किसी और को कोई लेना देना है ही नहीं, तो उनको इम्पैक्ट कैसे करेगा? देर आर डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। नेक्स्ट, द नेशनल गोल्स आर ट्रांसलेटेड इन टू डिसीजन, डिसीजन आर पुट इन टू एक्शन, एंड दे डिजाइन लेजिस्लेशन इन फॉर्म ऑफ एक्ट्स। यानी कि पहले नेशनल गोल बना, उसको डिसीजन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसको एक्ट बना के रखा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सोशियो कल्चरल इन से इन देयर अपियरेंस, इन देयर वर्क, या दे एक्सेप्ट द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, दे वर्क अकॉर्डिंगली, आर दे इंटीग्रेटेड इन देयर वर्क? यस, दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ कि वो कोई भी नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। अब सवाल ये है, थिंग्स विच द पॉलिसी सेज एज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रिटी मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। मान लो देश को जुड़े रखने के लिए कोई चीज़ करनी पड़े, तो वो नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन शायद पूरी इकोनॉमी एट लार्ज इकोनॉमिक पर्पजेस और व्यू पॉइंट से सही ना हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट दिस, आई कैन से अबाउट आरक्षण ओनली, कि मान लो आरक्षण अगर नहीं है, तो इकोनॉमी में शायद ऐसा हो कि रिच वुड बी गेट मोर रिचर, पुअर वुड बी गेट मोर पुअरर। एक्सेप्टेड रिजर्वेशन इसीलिए रखना पड़े कि पुअर को एक स्टेज मिले, लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, और वो वहाँ पे दोनों एक ही जगह पे आके से आगे बढ़े। लेकिन मान लो कि इकोनॉमी के अंदर आरक्षण रखा, तो चांसेस काफी ज्यादा भी है कि जो बंदा रिच है, ही इज डिजर्विंग, बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द पॉइंट ऑफ प्लेस वेयर ही इज टू बी सीटेड। तो ये कुछ चीज है कि द थिंग्स विच मे बी पॉजिटिव इन द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी मे नॉट बी पॉजिटिव इन व्यू पॉइंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, एंड द रिवर्स वन, द थिंग्स विच आर पॉजिटिव इन द व्यू पॉइंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ से इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो दैट इज वाई वी से पब्लिक पॉलिसी of such kind which would look both the things, national integrity as well as the socio-economical climates and reforms. Next, when we talk about privatization, यहाँ पे बहुत important बनता है privatization को समझना, कि privatization क्यों लाना पड़ा। इंडिया के अंदर ऐसा था कि due to heavy restriction and rules and regulations, इंडिया को एक लाइसेंशिएट जमाने के नाम से जाना जाता था। इंडिया के अंदर अगर कोई भी धंधा काम करना हो, तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़े। लाइसेंस लेने के बाद आपको उस लाइसेंस को यूज़ करने के लिए परमिशंस लेना पड़े, कि इतनी लिमिट का ही लाइसेंस मिला है, उसको अपग्रेड करना पड़े बाई टाइम टू टाइम। अगर मान लो एक्सपांड करना हो अपने बिजनेस को, अगेन नया लाइसेंस, तो मर्ज करना है दो बिजनेसेस को, दोनों को लाइसेंस लेना पड़े। डीमर्ज करना है, वापस लाइसेंस लेना पड़े। धंधा इवन बंद करना है, कि मान लो आप एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, आपने 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, और अचानक से आप सोच दो कि धंधा बंद कर देंगे, तो हो सकता है कि इकोनॉमी में 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था, उसके लिए भी लाइसेंस लो कि मेरे को धंधा बंद करना है, मेरे को परमिशन दो कि मैं करूं। यानी यहां पे कोई भी धंधा करने से पहले 4 बार सोचेगा कि क्या ये करे कि ना करे। इन सच अ सिनेरियो बिजनेस वॉज प्रमोटेड कि डिमोटेड, इट इज डिमोटेड। अगेन, बिजनेस अगर डिमोट होता है, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ता है? नहीं, प्रोडक्शन गिरता है। अगर प्रोडक्शन गिरता है और पॉपुलेशन बढ़ता है, कंजम्पशन ज्यादा प्रोडक्शन कम, बीच में गैप ज्यादा, गैप को फिलअप करने के लिए इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के लिए फॉरेन पेमेंट्स, फॉरेन पेमेंट के लिए फॉरेन अर्निंग्स जो था नहीं, यानी कि अल्टीमेटली फॉरेन डेट लाके अल्टीमेटली अगर हम इन चीज़ों को सिर्फ रूटीन मेंटेन करने में यूज़ करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इकोनॉमी नीचे ही जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सो फाइनली गवर्नमेंट ने सोचा एक ही तरीका इस पूरी की पूरी एक साइकिल को रोकने का, कि इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन कभी रोक नहीं पाएंगे, वो उतना ही है और वो बढ़ता जाएगा। प्रोडक्शन गिर रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी सेक्टर की सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, वो शेयर कर दे पब्लिक और प्राइवेट दोनों के हाथ में। कंप्लीटली शिफ्ट नहीं करना,
है क्यों कंप्लीटली अगर शिफ्ट कर दे तो हो सकता है कि यहाँ इकोनॉमी के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिले कि वन साइडेड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बनता जाएगा. सो फाइनली द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज प्रेव्ड आउट हियर एंड गवर्नमेंट थॉट की अलाउिंग सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू वर्क इन इंडिया इन दोज सेक्टर्स वेर इट वॉज प्रीवियसली डिनाइड, अलाउिंग एन प्राइवेट इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन टू दोज ऑर्गनाइजेशन विच वर ओनली इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वुड मेक अ बिग मूव फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड येस इट प्रूव्ड टू बी करेक्ट. आज की तारीख में जो भी हुआ है वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ है. छोटे से छोटे बंदे को काम करने का परमिशन मिला, काम मिला और साथ में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ. सो व्हाट आर द वेज ऑफ ब्रिंगिंग दिस प्राइवेटाइजेशन? हमारे पास चार तरीके हैं कि जिसके थ्रू हम प्राइवेटाइजेशन ला सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर. ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन. सो डोंट इवर ट्राई टू स्किप दिस अंडरस्टैंडिंग. एक के बाद एक मैं समझा रहा हूँ. कुछ नाम आपने सुना है, कुछ नाम नए है. डेलीगेशन नया होगा, डिसवेस्टर नया होगा, डिसइन्वेस्टमेंट सुना होगा एंड डिसप्लेसमेंट थोड़ा नया होगा. लेट अस टेक वन आफ्टर द अदर. दिस फोर आर द फोर टाइप्स इन विच यू कैन ब्रिंग अ प्राइवेटाइजेशन इन एन इकोनॉमी. द वेरी फर्स्ट वन इज गिवन डेलीगेशन. डेलीगेशन यानी कि किसी को देना, दैट इज वॉट वी से डेलीगेट करना. डेलीगेशन किसी को चीज देने की बात करता है. तो अगर यहाँ पे मान लो पब्लिक एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की जिसके हाथ में कुछ काम है कि वो ही करेगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एविएशन सेक्टर. एविएशन सेक्टर इंडिया के अंदर अगर आपको एक मूवी का नाम याद हो, रिसेंटली अभी मूवी लॉन्च हुआ था एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट के अंदर ऐसा दिखा था कि जब हमको कुवैत से कुछ एम्प्लॉय कुछ लोगों को यहाँ लाना पड़ा तो हमारे दो ही प्लेन्स चले, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस. क्यों तब स्पाइस जेट मदद नहीं किया, क्यों तब इंडिगो नहीं किया? क्योंकि भले वो एयरलाइंस थे दुनिया में लेकिन इंडिया ने उन लोगों को परमिट नहीं दिया था इंडिया में वर्क करने का. तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया था. क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वो रिजर्व्ड सेक्टर का पार्ट था. आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ओपन्ड अप द गेट्स ऑफ एविएशन सेक्टर. हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी एंटर करने को दिया. लेकिन किस तरह से? पहले उनको ऐसा बोला कि हमारी ही कंपनी के अंदर आप कुछ स्टेक लो और इसी कंपनी को आप चलाओ. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूटिंग दिस कंपनी हमारे ऊपर है लेकिन काम आपके ऊपर है. तो प्राइवेट सेक्टर वॉज मियरली डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी से अथॉरिटीज कि आप ये चीज़ करने के लिए ये अथॉरिटी आपके पास है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ गवर्नमेंट. देन इन सच अ सिनेरियो इट इज नोन एज डेलीगेशन, अनदर फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट इट इज डिसवेस्टमेंट. डिसवेस्टमेंट के अंदर उन्होंने कहा है गवर्नमेंट सरेंडर्स अ पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्स द मेजोरिटी स्टेक to one or more of the private organizations. मान लो किसी एक कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ने अपना एक छोटा सा ही स्टेक बेचा है, पूरा कंपनी नहीं बेचा, लेकिन उस स्टेक के साथ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाने दिया. भले ओनरशिप अपने पास रखा, मेजोरिटी ओनरशिप इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, लेकिन बाकी का अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर अब हैंडल करेगा. वो देखेगा किस तरह से डेवलप करना है, क्या करना है. उसके ऊपर बर्डन ऑफ से आंसर है कि अगर कहीं गलत हुआ तो प्राइवेट सेक्टर लायबल टू रिप्लाई गवर्नमेंट. इन सच अ सीनेरियो इट इज कॉल्ड डिसवेस्टमेंट कि पूरा का पूरा that venture is shifted in the hands of private sector, but ownership, the major ownership is in whose hand? Is in the hand of government. Next, when we say displacement यानी के अगर मान लो economy के अंदर government और private sector दोनों काम कर रहे थे, गवर्नमेंट की एंटिटी में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था. अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को एक छोटा हिस्सा दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पहले 80-20 के रेशियो में था, धीरे धीरे बढ़ के गवर्नमेंट को इतना छोटा कर दिया कि गवर्नमेंट अब 10% पे आ गया, वो 90% पे काम कर रहा है. ओनरशिप स्टेक इसके पास है. क्या ना इसे उसने डिस्प्लेस कर दिया गवर्नमेंट को और उसकी जगह पे खुद को ला के रख दिया. यस, एंड दैट इज व्हाट वी से डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि व्हेन अ प्राइवेट सेक्टर एक्सपांड्स इटसेल्फ विद इन एन एंटिटी एंड प्रेव्स द गवर्नमेंट आउट ऑफ द बिजनेस, देन इट इज नोन एज डिस्प्लेसिंग द गवर्नमेंट. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसा बहुत बार किया है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट,
Disinvestment. Now, this is not at all a new concept. When a government entity sells its equity stake to the public at large, it is known as disinvestment. अपना खुद का investment कम करके public के अंदर investment देना, that is what we say disinvestment. So, ये chapter तो यहाँ पे अब कुछ नया बाकी नहीं है, ये chapter खत्म हुआ, लेकिन इस chapter के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं short में कहूँगा कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है, याद रखना. At the very first stage, when we start the chapter, chapter हमको कहता है कि government policy क्या होता है, किस तरह से बनता है, क्या क्या बनता है, क्यों होता है. लेट अस टेक वन आफ्टर द अदर इन शॉर्ट. व्हेन वी से गवर्नमेंट पॉलिसी आर नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स की जो गवर्नमेंट चाहता है कि वो हम अप्लाई करें. कंट्री टू कंट्री अलग होगा. इट इज नोन एज सिंक्योर नॉन कि इट इज एन एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी. नेक्स्ट, इंडिया का हिस्ट्री क्या कहता है. से काइंड ऑफ एट द टाइम ऑफ ग्रेट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्या भी ये पॉलिसीज थे, एट द टाइम ऑफ अशोका भी ये थे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के वक्त भी थे, तोदामल के वक्त भी थे. तो ये हिस्ट्री के बारे में बात है. उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्रिक्स के अंदर किस तरह से यह पॉलिसी बनता है, किस तरह से दुनिया इस पॉलिसी को बनाता है. इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर एलपीजी लाया तो क्यों लाया. उसके बाद उन्होंने बात किया कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी. पॉलिसी का अलग अलग डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर आलमंड, देन आफ्टर थॉमस ओई, देन आफ्टर रिचर्ड रोज, देन आफ्टर प्रोफेसर कार्ल मोर ओवर आपके एक और प्रोफेसर दैट इज डेविड एस्टन, कि जिन्होंने बोला फीडबैक एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद जब डेफिनेशन के अंदर क्लैरिटी की बात करें, द मोस्ट easiest definition was given by Thomas Owe that it is merely do's and don'ts given by government. Next, यहाँ पे उन्होंने बोला व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज शोइंग अ कलेक्टिव एफर्ट, इट इज शोइंग अ कलेक्टिव एक्शंस, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय पीपल एट अ गिवन कोर्स ऑफ टाइम. देन आफ्टर पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस क्या है, तो पहले प्लान से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, बाद में पॉलिसी फ्रेमवर्क, बाद में पॉलिसी एडॉप्शन, बाद में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एंड देन आफ्टर फाइनली द पॉलिसी रीमेकिंग के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है पॉलिसी इवेल्यू. ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, इसलिए कहते हैं इट इज अ डायनामिक प्रोसेस एज वेल एज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नेक्स्ट, यहां पे अब बात है कि कोई भी पॉलिसी बनने आता है इंडिया में किस तरह से. इंडिया में दो हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस अपर हाउस, और उन दोनों के अंदर कोई भी लॉ पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, बाद में होगा. तो ये लॉ बनाने के तीन फेज थे, प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, पोस्ट लेजिस्लेटिव. प्री लेजिस्लेटिव के अंदर कुछ चीजें हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव में फाइनली, प्री लेजिस्लेटिव में कोई भी कानून के रिलेटेड रिकमेंडेशन आता है, कमिटी को रिफर किया जाता है. यहाँ पे कमिटी उसके ऊपर स्टडी करके हाउसेस में पास करवाएगा. हाउसेस में पास करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा. एक्सेंट आने के बाद वो इंप्लीमेंट होगा. इंप्लीमेंट होने के बाद पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टेज स्टार्ट होगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट से फीडबैक लेगा और उसके मुताबिक करेक्शन करेगा. व्हाट आर द नेचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. देयर कुड बी थ्री नेचर्स, या तो वो रिस्ट्रिक्टिव, या तो वो रेगुलेटरी, या तो वो फैसिलिटेटिंग. तो रिस्ट्रिक्टिव यानी कि वो कुछ काम ना करने को बोल रहा है, यानी उसके ऊपर कंट्रोल करके उसके अंदर चेंजेस लाने का सोच रहा है. एंड फाइनली जब हम बात करते हैं अबाउट फैसिलिटेटिंग, वो क्या प्रमोट करने के लिए क्या करेगा. नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी की इंडिया के अंदर क्या सिनारियो था 47 तक. 47 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ. IRDA बना, से IDRA बना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1959. उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई. उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जिसने LPG रेकमेंड किया. वाटरशेड डेवलपमेंट इन दैट फील्ड वॉज टेकन अप बाई LPG. LPG बोलो, GPL बोलो, दोनों एक ही है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना. नेक्स्ट, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का पाथ अपनाया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को छोड़ के. देन आफ्टर प्लानिंग कमीशन के साथ चला, नीति आयोग बाद में लाया प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके. देन आफ्टर गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स. इट वुड बी से प्रमोटिंग द सोशियो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एज वेल एज इट वुड बी प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रिटी. वो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेगा. द थिंग्स विच मे बी गुड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी मे नॉट बी गुड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, बट स्टिल इट इज़ टू बी डन. नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि द इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस, कि किस तरह से हमने चेंजेस एक्सेप्ट किए, किस तरह से चेंजेस लाना शुरू किया. फॉरेन कैपिटल पहले अलाउड नहीं था, बाद में धीरे धीरे अलाउ किया, ग्लोबल मार्केट में एंटर हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट दिया. रूट दो तरह के दिए, या तो आप ऑटोमेटिक रूट पे आओ, या तो अप्रूवल रूट पे आओ. ऑटोमेटिक अप टू अ सर्टेन लिमिट फ्रॉम RBI, अप्रूवल अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. नेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट दिया है कि कितने परसेंट का
FDI अलाउड है किस सेक्टर के अंदर। उसके बाद उन्होंने दो पेज के बाद वापस वही का वही टॉपिक कंटिन्यू किया कि FDI सिंगल बना रिटेल में 100%, इसमें इतना, एक लिस्ट दिया जिसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो लिस्ट कंप्लीटली याद रख लेना। नेक्स्ट आपको FII समझाया कि इंडिया के अंदर FDI के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा कंपेयर टू FII, बिकॉज FII अपना प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा लेकिन FDI यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने समझाया हमने को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी डिसीजन एंड गोल, कि गोल पहले बनता है उसमें से डिसीजन निकलेगा और डिसीजन अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा पॉलिसीज के अंदर। द पॉलिसीज आर एन्यूमरेटेड फ्रॉम डिसीजंस एंड डिसीजंस मस्ट बी इन लाइन विद गोल्स। देन आफ्टर पॉलिसीज आर टू टाइप, रेगुलेटरी पॉलिसीज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। रेगुलेटरी आर टू फॉर कंट्रोल्स एंड टू अबाइड द बिजनेस मार्केट इन दैट लाइन, बट डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि एक स्पेसिफिक सेक्टर और एक पोर्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो बनता है। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन वॉज ब्रॉट इन टू इंडिया विद सम इंटेंशन की प्रोडक्शन बढ़े कम हो और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बढ़े। फाइनली प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए चार अलग अलग तरीके हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिसवेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली डिस डेलीगेशन। डेलीगेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट एंड डिसवेस्टमेंट, ये चारों के मीनिंग जो मैंने बोले वो भी याद रखने पड़ेंगे। फाइनली इस चैप्टर के अंदर और कुछ रहता नहीं है, बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम आई वुड से ICI मॉड्यूल के MCQ जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर ध्यान देना, एक बार अपनी तरह से सॉल्व आउट करना, बाद में डाउट सॉल्विंग के तौर पे ही मेरे लेक्चर सुनना, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि कितना मेरे को आता है और कितनी चीज़ें के ऊपर मेरे को वर्कआउट करनी है। ये तब पता चलेगा जब आप खुद ब खुद एक अपना इन्वॉल्वमेंट दोगे। अगर मेरी स्पीड कहीं पे ज़्यादा लग रही है तो सो सॉरी फॉर दैट, आई वुड बी टेकिंग योर फीडबैक इन दैट मैनर एंड आई वुड करेक्टिंग माई सेल्फ, बट फॉर द प्रेजेंट टाइम आई वुड से आप लोग अपनी खुद की स्पीड ग्रास्पिंग की बढ़ाओ, आप लोग अपनी तरह से खुद ब खुद इन कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज करो, एंड नवकार वुड बी ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस एट एनी टाइम। थैंक यू फॉर हियरिंग मी, गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.